आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद रहीम है। मैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का छात्र हूं। मैं उन नौजवान भाइयों को सलाम करता हूं, उन शहीदों को सलाम करता हूं जिनके बदौलत आज हम सब मिलकर ये दिवस मना रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन माओं को सलाम करता हूँ, उनके कदमों को चूमना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे सूरवीर योद्धाओं को अपने कोख से जन्म दिया। मैं आप सबको अपने द्वारा लिखी कुछ शायरी सुनाना चाहता हूँ। उदास रहने को ये दिल अच्छा नहीं बताता, उदास रहने को ये दिल अच्छा नहीं बताता, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। और ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। हमारे कुछ गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, माँ की दुआएं साथ चलती है। कहते हैं ना, माँ एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही दिल से इमोशन, फीलिंग, आदर, सम्मान अपने आप बाहर निकल जाता है। कहते कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, शायद इसीलिए उन्होंने माँ बनाया। पूरी दुनिया आपसे पूछेगी आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आपने कितना कमाया, कितना उड़ाया, लेकिन आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं खाया, आप ठीक है या आप ठीक नहीं है, ये माँ के अलावा कोई और नहीं पूछता। मैं आप सभी को माँ के ऊपर एक कविता लिखा हूँ जो सुनाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है। कैसे पढ़ लेती है मिलो दूर दिल की बातें, कैसे पढ़ लेती है मिलो दूर दिल की बातें, जैसे ही तुझे फोन करने का ख्याल आता है वैसे ही तेरा कॉल आ जाता है। बातें तो होती है दिल भर कर, फिर भी क्यों न जाने अधूरापन सा लगता है। बात तो ये है कि हर पल तेरी याद सताती है। क्यों अपने ख्वाहिशों को मार कर मेरी हर एक ख्वाहिश पूरा करना है, क्यों तुझे अपने सपनों को छोड़कर मेरे सपनों में जीना है, क्यों तुम मुझको भरते भरते खुद को खाली कर देती है, अपने किस्मत के सारे पन्ने जाली कर लेती है। कभी खुद के लिए भी दुआ मांग ले, क्यों तुझे मेरे लिए ही दुआ मांगना है, क्यों तुझे मेरा हर एक फटा ख्वाब सीना है, क्यों तुझे सिर्फ मेरे हक से जीना है। जब मुझे अपने सपने देखने का हक है फिर तुझे क्यों नहीं, जब हमें अपने किस्मत लिखने का हक है फिर तुझे क्यों नहीं, इसीलिए ले कागज उठा कलम और लिख दे अपनी किस्मत इस दुनिया में, ले कागज उठा कलम और लिख दे अपनी किस्मत इस दुनिया में कि तू भी झांसी की रानी है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, जो खूब लड़ी बरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।